अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रज़ा अली तर्की इस्तंबुल से और आप देख रहे हैं रज़ा अली फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे तर्की सिम कार्ड के बारे में कि यहाँ पर कितने कनेक्शन हैं सिम कार्ड के। कल मैं गया था तो रेट चेंज हो गए थे, दोस्त ने सिम लेनी थी तो मैंने सोचा फिर इस पर ना जो ना वीडियो बना दूँगा ताकि जो यहाँ पर आए उनको पता होना चाहिए कि भाई तर्की में सिम कार्ड कितने का मिलता है। तो दुबई में तो फ्री भी मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी जहाँ पे सिम कार्ड फ्री भी मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिम कार्ड महंगा है और अभी रेट और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो जो तुर्क सेल है नंबर वन पे जो आती है, ठीक है, कंपनी तुर्क सेल, उसका जो सिम कार्ड है वो मैंने पता किया है वो 200 से 225 का है सिम कार्ड, ठीक है। उसमें आपको मिलता है 25 GB इंटरनेट मिलता है और 1000 SMS और 1000 जो है ना वो आपको मिनट्स मिलते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया तुर्क सेल। और दूसरे नंबर पे तुर्क टेलीकॉम, तुर्क टेलीकॉम जो है ना वो 120 लीरा का है सिम कार्ड और उसमें आपको 25 GB इंटरनेट मिलेगा तुर्क टेलीकॉम में और उसमें आपको जो मिनट्स होंगे वो 750 मिनट मिलेंगे आपको, 750 मिनट, और जो है SMS वो आपको 500 मिलेंगे। तो ये दूसरे नंबर पे आ गई। तीसरे नंबर पे जो है वो है वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी कंट्रीज में भी है, ठीक है। तो यहाँ की जो है ना वोडाफोन वो आपको सिम कार्ड इसका मिलेगा 120 का ही, उसका भी 120-130 इतने का सिम कार्ड मिलता है उसका और उसमें आपको जो है ना 5 GB इंटरनेट मिलता है और मिनट आपको मिलते हैं 750 मिनट मिलते हैं, 750 मिनट, और SMS जो है उसमें आपको 150 मिलते हैं, 150 SMS, ठीक है। तो ये सिस्टम है और इसका जो है ना कार्ड वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना बैलेंस करवाना पड़ता है, पैकेज करवाना पड़ता है, तो पैकेज को यहाँ पर पैकेट बोलते हैं ये, ठीक है। उसमें ये सिस्टम होता है, नंबर पर डिपेंड करता है आपका नंबर कौन सा है, ठीक है, नंबर आप बताते हैं तो ये नंबर एंटर करते हैं, फिर पता चलता है कि ये नंबर में जो है ना आपको मिनट्स मिलेंगे या फिर आपको टेले मिलेंगे, टेले यानी कि तर्किश लीरा, कितने तर्किश लीरा मिलेंगे उस हिसाब से आपको जो है ना पैकेज हो जाता है। एक और बात कि आप अपनी जो है ना सिम कार्ड जो है ना उसकी रोमिंग ऑन भी कर सकते हैं, रोमिंग ऑन करके आप पैकेज का पता कर लें कौन सी आपके पास बारिश जायज जो भी सिम है उधर की कंपनी में हेल्पलाइन पर आप कॉल मिलाएँ, वहाँ से आप पूछ लें कि मैंने तुर्की जाना है और वहाँ की तुर्की के लिए रोमिंग ऑन करनी है, ऑल वर्ल्ड के लिए भी ऑन हो जाती है, वो आपको पैकेज बता देंगे भाई इतने का ये जो है ना पैकेज होगा रोमिंग का, ठीक है, यहाँ पे भी आके रोमिंग का पैकेज हो जाता है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ख़र्चा करना चाहते हैं, तो अगर आप रोमिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ठीक है, तो इससे कंपेयर कर लें आप के दो तकरीबन, अगर जो वोडाफोन तुर्क टेलीकॉम है ना वो सबसे सस्ती सिम है, तुर्क सेल की सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, वो कहीं भी बेसमेंट में कहीं भी होते हैं उसका नेट चलता है फास्ट है। तो अगर आपको लगे कि रोमिंग आपको सस्ती पड़ रही है तो आप रोमिंग का पैकेज करवा लें, मेरे ख्याल से जो रोमिंग जो है ना वो महंगा ही पड़ता है पैकेज उसका, ठीक है। तो होटल में जिधर आप स्टे करते हैं स्टे में उधर आपको वाईफाई उधर मिल जाता है होटल में, लेकिन आप बाहर जब जाते हैं तो बाहर तो आपको वाईफाई, हाँ एक बात है बाहर भी वाईफाई मिल जाता है लेकिन वो हर जगह पर नहीं मिलता, मैं उसके लिए ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कि वो क्या तरीक़ेकार है। तो ये सिम के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कनेक्शन कितने यहाँ पे चलते हैं तुर्की में और कौन सा कनेक्शन जो है सबसे अच्छा बेस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे तुर्क सेल, दूसरे नंबर पे तुर्क टेलीकॉम, तीसरे नंबर पे वोडाफोन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा जो इस्तंबुल आना चाहते हैं या इन दिनों में आएँगे। और एक और बात है कि तुर्की के वीजे की भी जल्द अपडेट आपको ना मैं दूंगा। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।